नमस्कार, वेलकम बैक टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रबी क्रॉप्स। 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो पर। सो गाइज, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो पूरा वॉच करना और आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहना। पूरा वीडियो आप देखेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये इसलिए आप वीडियो ज़रूर पूरा वॉच करना, अन्यथा आप पछता सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, 1 अगस्त से जो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, उसी परीक्षा को ध्यान में रखकर ये क्लास आपकी ले जा रही है। तो वीडियो इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखते हैं। राज 3077 इज ए वैरायटी ऑफ, यानी राज 3077 एक प्रजाति वो किस क्रॉप की है, जौ, गेहूं, जई या सरसों की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन राइट है, यानी भीट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राज 3077 जो वैरायटी है वो गेहूं की है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और ध्यान रखना, एक वैरायटी है आर डी 2052, ये जौ की प्रजाति है, बहुत ज़्यादा चर्चित प्रजाति है आर डी 2052। ये किसकी प्रजाति है? आर डी 2052 एक जौ की वैरायटी होती है जो कि मौल्या बीमारी के प्रति रोगरोधी होती है। जौ की प्रमुख बीमारी होती मौल्या डिजीज, और आर डी 2052 जो वैरायटी, इसमें मौल्या बीमारी नहीं लगती है। तो इसे भी याद कर लेना। आंसर हो जाएगा राज 3077 जो वैरायटी गेहूं की है। क्वेश्चन नंबर 2, गेहूं में सिंचाई की प्रथम क्रांतिक अवस्था है द फर्स्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन व्हीट, यानी गेहूं में सिंचाई की जो सबसे जरूरी क्रांतिक अवस्था वो कौन सी है? CRI, टिलरिंग, मिल्किंग, नॉन ऑफ द एबव। सो गाइस, करेक्ट आंसर विल बी CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन, और यह अवस्था गेहूं बोने के 20 से 25 दिन के बाद में आती है। कब आती है? 20 से 25 दिनों के बाद में आती है। अगर किसान के पास में एक सिंचाई उपलब्ध है तो भी वो शिखर जड़ बनते समय या फिर CRI स्टेज पर ही सिंचाई करनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट अवस्था होती है बुवाई के 20 से 25 दिन के बाद में यह स्टेज आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, उससे पहले ये भी जान लो, गेहूं में कुल 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलो। देर से बोए जाने वाले गेहूं की बुवाई की गहराई क्या होगी? द स्विंग डेप्थ ऑफ हीट इन लेट कंडीशन इज, अगर गेहूं की देर से बुवाई की जाती है तो उस कंडीशंस में गेहूं को कितनी गहराई पे बोना चाहिए? 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। अगर आप समय से बुवाई कर रहे हैं, कैसी बुवाई कर रहे हैं आप? समय से बुवाई कर रहे हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर गहराई पे बीज को बोना चाहिए। लेकिन जब देर से आप बुवाई करोगे तो ज़्यादा गहरा अगर बीज आप बो देंगे तो अंकुरण बहुत दिन में बाद होगा, बहुत दिनों के बाद में अंकुरण होगा, फसल आपकी और लेट हो जाएगी। तो जब देर से गेहूं की बुवाई की जाती है उस समय जो गहराई रखते हैं वो होते हैं 3 सेंटीमीटर। समय से अगर बीज बुवाई करते हो तो गहराई रखते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना? और जो गेहूं की लंबी वैरायटी होती है, टाल वैरायटी होती है, उन्हें 6 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर बोते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरितिमा इज ए वैरायटी ऑफ, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रजाति है हरितिमा, वो किसकी है? गेहूं, जौ, जई या बरसीम की। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो हरितिमा वैरायटी वो जौ यानी बार्ले की होती है, हॉर्डियम बल्गेयर इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है ना? तो हरितिमा जो वैरायटी गाइज वो है जौ की यानी बार्ले की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जौ की नेट ब्लॉस बीमारी किसके कारण होती है? नेट ब्लॉस डिजीज ऑफ बार्ले इज कॉज्ड बाय, किसके कारण जो है नेट ब्लॉस बीमारी होती है जौ में? तो हेलमिंथोस्पोरियम टेरेस, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ए बिल्कुल सटीक और राइट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जौ की फसल पकते समय तापक्रम की आवश्यकता होती है, यानी अगर बार्ले की आप खेती करना चाह रहे हैं
तो जब बार्ली परिपक्व हो जाता, मैच्योरिटी टाइम होता, उस समय कितना तापमान चाहिए? 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उस टाइम चाहिए। जबकि गेहूं हो और जौ हो, बुवाई के समय जो तापमान होता है अंकुरण के समय, वो कितना होता है? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जौ की कटाई के समय तापमान कितना होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको समझ में आए तो सभी लोग कमेंट जरूर करना, क्लास कैसी लगी। हम आपके कमेंट का वेट करेंगे, क्योंकि आप जब बताओगे क्लास कैसी लगी, तब हम आपकी बात को समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज नॉट प्रिपेयर्ड फ्रॉम पोटैटो। निम्नलिखित में से कौन है एक ऐसा है जो आलू से नहीं बनता? बाइन, एसिटिक एसिड, पेपर, फरीना और अल्कोहल। तो वहाँ पे पेपर नहीं बनता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अनाज की फसलों का राजा किस फसल को कहा जाता है? विच क्रॉप इज कॉल्ड एज किंग ऑफ सीरियल। किस क्रॉप को जो है किंग ऑफ सीरियल के नाम से जानते हैं? व्हीट, बार्ले, ओट या फिर पैडी। सो गाइज, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? व्हीट, यानी गेहूँ। बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा गेहूँ यानी व्हीट। और कोई ना, आप सीरियल किसको बोलते हैं? मक्का को बोलते हैं। जो कोइन ऑफ सीरियल, ये बोलते हैं मक्का को, तो मक्का को बोलते हैं क्या? कोइन ऑफ सीरियल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नकदीय फसल है, द कैश क्रॉप इज, मतलब कौन सी फसल नकदी फसल है? गन्ना, सरसों, मसूर, उपयुक्त सभी। सो गाइस, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गन्ना। जो शुगर कैन है ये कैश क्रॉप है। कैसी है? नकदी फसल है, कैश क्रॉप है, ठीक है भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। सबसे महत्वपूर्ण पहली भारतीय दलहन फसल है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट इंडियन पल्स क्रॉप इज, लेंटिल, चिकपी, फील्ड पी, पिजियन पी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब क्या होगा? चना। जो भारत की मुख्य दलहनी फसल है वो क्या है? चना है, ठीक है ना, चना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। उत्तर प्रदेश की कंडीशन में तीनों सीजन में उगाई जाने वाली फसल है, द क्रॉप ग्रोन इन ऑल थ्री सीजन अंडर यूपी कंडीशन इज। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसे हम तीनों मौसम में उगा सकते हैं। तो यहाँ पे सूरजमुखी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सनफ्लावर यहाँ पे राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए, चना में उकठा बीमारी होती वो किसके द्वारा होती है? द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ वेल डिजीज इन चिकपी इज, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, यूरोमाइसिस फैबी, एरिसाइफी पॉलीगोनी, नॉन ऑफ द एब। आंसर विल बी फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वैराइटी सिसराई, ठीक है ना। और एरिसाइफी पॉलीगोनी जो है इसके द्वारा मटर में होता क्या? पाउडरी मिल्ड्यू। मटर में जो पाउडरी मिल्डी होता है वो एरिसाइपी पॉलीगोनी के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मालवीय विश्वनाथ इज ए वैरायटी ऑफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रजाति है। मालवीय विश्वनाथ ये वैरायटी किसकी है भाई? सो गाइस, ये वैरायटी किसकी? फील्ड पी, लेंटिल, चिकपी, नॉन ऑफ द एबव। तो आंसर विल बी लेंटिल यानी मसूर। और मसूर में प्रोटीन कितने परसेंट होती है? 25% प्रोटीन पाई जाती है मसूर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तिलहनी फसलों में तेल का रंग किसके कारण जो है वो पीला होता है? तो क्लोरोफिल, कैरोटीनाइड्स, ए एंड बी, नॉन ऑफ द एबव। सो गाइज, आंसर विल बी कैरोटीनाइड्स, कैरोटीनाइड्स। आंसर क्या हो जाएगा? कैरोटीनाइड्स हो जाएगा, कैरोटीनाइड्स यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा जगन्नाथ इज ए वैरायटी ऑफ, पूसा जगन्नाथ एक वैरायटी है वो किस क्रॉप की है? मस्टर्ड, तोरिया, चिकपी, फील्ड पी। आंसर विल बी सरसों, यानी जो पूसा जगन्नाथ वैरायटी है गाइज वो सरसों की होती है। किसकी? सरसों की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सरसों का बीज दर प्रति हेक्टेयर है वो कितना है? 6 से 8 है, 4 से 6, 5 से 9 है, 8 से 10। सो गाइज, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 से 6 किलोग्राम।
जो सरसों की सीड रेट है वो 4 से 6 किलोग्राम होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंचित क्षेत्रों में तूरिया फसल के लिए एनपीके कितना चाहिए। द एनपीके रिकमेंडेशन फॉर तूरिया क्रॉप इन इरिगेटेड एरिया इज 90-40-40 kg पर हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट, सरसों कुल की फसलों का प्रमुख कीट कौन सा है। द मैन इंसेक्ट ऑफ मस्टर्ड फैमिली क्रॉप इज एफिड, सोफलाई, लीफ माइनर, ऑल ऑफ द एबव। आंसर विल बी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मॉडर्न इज अ वैरायटी ऑफ, मॉडर्न एक वैरायटी वो किस क्रॉप की है। सूरजमुखी, अलसी, सरसों, नॉन ऑफ द एबव, कोई नहीं। सो गाइस, जो मॉडर्न वैरायटी हो किसकी है, ये वैरायटी है सनफ्लावर यानी सूरजमुखी की। तो मॉडर्न एक वैरायटी है सनफ्लावर की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आलू में स्टार्च होता है कितना होता है। स्टार्च इन पोटैटो ट्यूबर इज 20%, 14%, 22% या नॉन ऑफ द एबव। तो जो स्टार्च की मात्रा वो 20% होती है यानी 20% होती है किसमें, आलू में। आलू में स्टार्च की मात्रा 20%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सरसों का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ मस्टर्ड इज यूपी, राजस्थान, एमपी, हरियाणा। सो गाइज, सरसों यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है राजस्थान में। राजस्थान की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है, सरसों। राजस्थान की जो मुख्य तिलहनी फसल है गाइज वो कौन सी है, सरसों होती है। जबकि विश्व की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है, सोयाबीन। विश्व की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है, सोयाबीन। भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है, तो मूंगफली। भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है, मूंगफली है। विश्व की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी मुख्य है, तो सोयाबीन है। और सरसों का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है और राजस्थान की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है, सरसों है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आलू की बुआई का अंतरण देर से करने पर अगर बुआई करते हैं तो अंतरण कितना रखते हैं। द स्पेसिंग ऑफ पोटैटो इन लेट कंडीशन इज 60-25 cm, 50-20 cm, 45-15 cm, नॉन ऑफ द एबव। द आंसर विल बी 50-20 cm, यानी बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आलू में लेट जो ब्लाइट होती है वो बीमारी किसके द्वारा होती है। द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कास्ट बाय ए फंगस, किस फंगस के द्वारा आलू की लेट ब्लाइट बीमारी होती है। फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस, अल्टरनेरिया सोलेनाई, ए एंड बी, नॉन ऑफ द एबव। सो गाइज, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइटोपथोरा इन्फेस्टांस। यह बीमारी 1845 में आई थी, आयरलैंड से इंडिया में आई थी। कहाँ से आई थी, आयरलैंड से इंडिया में आई थी। लेट ब्लाइट बीमारी पाइटोपथोरा इन्फेस्टांस के द्वारा होती है, जबकि अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा क्या होता, अगेती झुलसा। जो अगेती झुलसा है ये होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक कवक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सस्य तकनीकी टॉपिंग संबंधित है, यानी जो टॉपिंग एक इंटरकल्चर ऑपरेशन है, सस्य तकनीकी है, ये किस में की जाती है। द एग्रो टेक्निक टॉपिंग इज रिलेटेड टू पोटैटो, मस्टर्ड, फील्ड पी, लेंटिल। आंसर विल बी मस्टर्ड, यानी सरसों यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, PT 303 वैरायटी है। PT 303 एक वैरायटी वो किस क्रॉप की है। सरसों, तोरिया, मसूर, आलू। आंसर विल बी तोरिया। पी का मतलब पंतनगर, टी का मतलब तोरिया। पंतनगर से निकाली गई PT 303 वैरायटी किसकी है, तोरिया की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मसूर की बुवाई का सबसे उपयुक्त टाइम क्या है। द मोस्ट ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग ऑफ लेंटिल इज मिड अक्टूबर, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। आंसर विल बी मध्य अक्टूबर। यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा मध्य अक्टूबर राइट है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खदराबी इज ए वैरायटी ऑफ, खदराबी किस क्रॉप की वैरायटी है? सरसों, रिजका, बरसीम, मटर। आंसर विल बी बरसीम, या फिर राइट उत्तर हो जाएगा। आंधी गुड़ाई, आंधी गुड़ाई यानी जो ब्लाइंड होइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है इज डन, किसमें डन की जाती है? ब्लाइंड होइंग जो एक इंटरकल्चर ऑपरेशन है किसमें किया जाता है? पोटैटो, चिकपी, शुगर कैन, नॉन ऑफ द एबव। आंसर विल बी गन्ना, शुगर कैन यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने 28 क्वेश्चंस कवर किए हैं, आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी आप सभी के लिए। तो सभी फ्रेंड वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और कमेंट आप लोग ज़रूर करना, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। नमस्कार।